अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सलीम नवाज़ और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टीवी। जौहर टाउन में बाबा साईं रेस्टोरेंट पर आज एक पेट फैमिली फेस्टिवल हो रहा है, यानी कि कुत्तों, बिल्लियों और परिंदों के हवाले से एक शो हो रहा है। तो आइए चलते हैं यहाँ अंदर और देखते हैं यहाँ पर आज कौन से नस्ल के कुत्ते, बिल्लियाँ और इसके अलावा जो परिंदे यहाँ पर मौजूद हैं, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ये परिंदे कहाँ से खरीदे, उनका ख्याल कैसे रखते हैं, उनकी खुराक वगैरह क्या है, उनकी कीमत इस वक्त क्या है। तो आइए चलते हैं लोगों की जानिब। इंसान की पोलियो वगैरह की वैक्सीनेशन होती है, इनकी भी वैक्सीनेशन होती है, बायोफिल होती है, रेबीज़ होती है, ये सारे शॉट्स लगते हैं इनको, डिवॉर्म्ड होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर बाइट वगैरह कर ले तो उसके लिए रेबीज़ वैक्सीनेशन होती है ताकि इंसान को इन्फेक्ट ना करे। चिकन होता है मोस्टली, मतलब ड्राई फ्रूट भी नहीं रखना चाहिए सारा, इनकी कैट फूड भी इनको दें, लेकिन उसके साथ इनकी जो वेट होता है लाइक चिकन आपने बना के यखनी जो है वो साथ इसको दे दें, उसमें थोड़े से चावल मिक्स कर दिए या रोटी जो है वो मछली में मिक्स करके दे दें। And we got him from Thailand when he was a baby, so it's a full pedigree, and it's a very good breed to have. It they're very clever animals, and we keep him indoors. It's like a family member to us, to be honest. ये जब हमें मिले थे 7 की थी, हमारे साथ 5 हो गए थे। लेकिन इनकी बच्चों के जैसे केयर है भैया, मतलब बच्चों जैसे। हाँ जी, बिल्कुल बच्चों के जैसे केयर। ये यहाँ पे आके एग्रेसिव हो गई है, यहाँ पे औरों के साथ में एग्रेसिव हो गई है। ये कुत्ता है। और ये मेरे पास है 4 से 5 मंथ हो गए इसे, और ये इधर ले आओ। ये कुत्ती है, ये एक्सट्रीम पंच है, तो ये हमारे पास तकरीबन मंथ हो गया है इसको, और ये 8 मंथ ओल्ड मेल है। ये मेल है और ये फीमेल है। ये खाते क्या है? ये मिस्टर पेट खा रहे हैं, कैट फूड। हाँ जी, हाँ जी। ये कोई मतलब यही खा सकते, कोई और जानवर नहीं? नहीं यार, खाने को कोई भी खा सकता है, कुत्ता भी खा जाता है इसका, कोई नहीं है। इनकी एज मैक्सिमम 9 ईयर्स तक चली जाती है। पाकिस्तान माइलो, ये टू मंथ्स का है। अगर मैं आपसे ये खरीदना चाहूँ, आप मुझे बेचोगे? आपको 2000 नहीं बेचोगे पक्का? नहीं, कोई बीमारी नहीं, बस ऐसा चाहिए कि बाल थोड़े से होते थे तो कपड़ों के साथ लगते हैं, तो फ्लू थोड़ा सा होता है, लेकिन वैसे कुछ भी नहीं है। अगर आप केयर करो, इनकी रोज़ कॉम करो, तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा उनके साथ जिन्होंने इस पूरे शो को होस्ट किया है। मैं इनको देख रहा था, पूरे शो में ये खड़ी रही है, बड़ी मेहनत के साथ काम कर रही थी। तो इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, पेट्स के हवाले से इन्होंने कितने शो इससे पहले होस्ट किए हुए, और उनसे इनका नाम पूछते हैं। मेरा नाम कुरतुल एंज है। कैसा फील होता है पेट्स के शो होस्ट करते हुए? बहुत ज़बरदस्त फीलिंग होती है, बिकॉज मैं प्रोफेशन के लिहाज से एक रिपोर्टर हूँ, तो मेरी जो बीट है वो वाइल्ड एनिमल्स के हवाले से है, तो मेरे जो ये फैंस दोस्त भी वाइल्ड एलिमेंट पेट के हवाले से ही बने थे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। छोटे छोटे पेट होते हैं, मासूम से होते हैं, और जो लोग पालते हैं उनको किस तरह से पाला जाता है, किस तरह से उनको उनकी केयर की जाती है, तमाम चीज़ें इसके अंदर ही। घर के लिए ये घर के लिए दोनों चीज़ें इसमें आ जाती है, सिक्योरिटी भी है। बच्चों को बताना पड़ता ना कि एनिमल्स केयरिंग करते हैं, एनिमल्स लवर क्यों है, हमें भी एनिमल्स का ख्याल रखना चाहिए, जैसे उनके पेरेंट्स उनका ख्याल रखते हैं, वैसे ये आगे बच्चा इसका ख्याल रखता है। ये घर की सिक्योरिटी के लिए और घर के लिए भी पास हुआ हमारा, ये कुछ नहीं कहता कि घर में कोई बीमारियाँ तो नहीं है इस जाने। नहीं नहीं, कोई कोई मसला नहीं। देखिए, इसके लिए हमें इसकी साफ सफाई रखनी चाहिए जानवर की। मेरे पास 11 कैट्स थी, तो अब 5 रह गए, जिनमें से एक अभी वीक पहले घूमी है, उसके मैंने बहुत ज़्यादा पोस्ट किए हैं कि वो मिल जाए, तो बस अभी फिलहाल 4 है पास। उसका साइज इतना ही बड़ा होता है जी? नहीं, ये फुल साइज है। अच्छा, ये इस वक्त फुल साइज है जी। कितना वेट होगा इसका? होगा 4 किलो, 4-5 किलो। मतलब ये सबसे मोटी बिल्ली है जी। मुझे शौक नहीं था, मेरा भाई लेकर आया था, छोटा सा था, मुझे बस दूर से अच्छा लगता था, और फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ तो मुझे बस प्यार हो गया, तो बस मैं इसे उठा भी लेती हूँ, पहले मैं इसे उठाती नहीं थी। फर्स्ट कोई घर में आता है, कोई गेस्ट वगैरह आता है, तो परेशानी तो नहीं करता जी? नहीं, पहले 2-3 मिनट होता है कि वो एडजस्ट करने की कोशिश करता है कि ये उनके साथ ही है, मेरे ओनर के साथ ही, फिर उसके बाद ये ओके हो जाता है। होती है हाउ मैनी कैट्स के नाम से। इस कैट का नाम हाउ मैनी? हाउ मैनी वो उसका फीट जो होता है 5 से 7 फीट की होती है। 5 से 7 फीट का बताइए। 3 ईयर्स।